मेरे को एक ही शख्स नजर आता है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसलिए उन पे विश्वास करते हुए और इनकी समुची टीम पे विश्वास करते हुए पंजाब के भले के लिए मैंने आज ये फैसला किया है। मैंने जब ये ज्वाइन करने का फैसला लिया तो मन में बड़ा एकदम इमोशनल सा था कि 35 ईयर्स एक पार्टी में लगाए और NSUI से पॉलिटिक्स शुरू किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, और वहाँ से लेके मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, वहाँ से लेके शुरू करके और आगे यूथ कांग्रेस में, कांग्रेस की सेवा दल, तीनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया और उसके बाद वक्फ कारपोरेशनों का चेयरमैन भी रहा, कैप्टन साहब की सरकार के वक्त भी और दोनों सरकारों के वक्त में, और ऑल इंडिया लेवल पे सेक्रेटरी जब बना तो मेरे को हिमाचल का चार्ज मिला, और हिमाचल में जब इलेक्शन थे तो उस वक्त से हम लोगों ने मिलकर काम किया पार्टी के लिए, उस पार्टी के लिए। पर आज ये बात है कि पंजाब के भले की बात, मैं तावड़े जी और अश्विनी वैष्णव जी से यही बात कर रहा था कि पंजाब के लिए अब बहुत जरूरी है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट हो उसके साथ हमारा तालमेल रहे, और पंजाब के लिए मैं पॉलिटिक्स में ये बीजेपी में आने का फैसला किया है कि पंजाब के लिए मोदी जी का एक अलग से विजन है, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, और इतना प्यार वो पंजाब के लिए दिखा रहे हैं और खास तौर पे सिख कम्युनिटी के लिए, जितना मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और जितना नड्डा जी ने और सारी बीजेपी की टीम ने, हमेशा इनका पंजाब के प्रति बड़ा लगाव रहता है। तो पंजाब का भला इसी में है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पे विश्वास करें ताकि आने वाले समय में पंजाब बहुत पीछे चला गया। पंजाब की हर बात के लिए हम कह सकते हैं, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो इंडस्ट्री का मामला हो, हर चाहे वो एग्रीकल्चर का बात हो, सब मामलों में पंजाब पीछे चला गया। तो उसको आगे ले आने के लिए मेरे को एक ही शख्स नजर आता है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसलिए उन पे विश्वास करते हुए और इनकी समुची टीम पे विश्वास करते हुए पंजाब के भले के लिए मैंने आज ये फैसला किया है। और मैं आप सभी को, जो जो बीजेपी हाई कमांड है, जो बीजेपी के सभी लीडर हैं, उनको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग पंजाब में फिर एक बार मोदी जी की लीडरशिप के हेठ पंजाब को बहुत ही ऊपर विकसित करेंगे, पंजाब को आगे लेके जाएंगे, और पंजाब में अगली आने वाली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर बार हम लोग जो दिल्ली में सरकार बनने जा रही होती है उसके खिलाफ वोट डाल देते हैं तो पंजाब का भला नहीं होता। तो मेरे मन में ये बहुत ज्यादा था कि पंजाब और सिक्किम के लिए जो भला मोदी जी ने किया है और जो वो कर सकते हैं वो शायद कोई यूनियन कर सकता। तो इसलिए आई प्रेफर्ड कि मैं बीजेपी जाऊँ और पंजाब के भले की बात करूँ। बिट्टू साहब, ये देखो, अभी मैं हिमाचल के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक ही बात करना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं पंजाब के लिए आया हूँ तो पंजाब की बात ही मेरे साथ रखी जाए। तो आपको वही मैं कह रहा हूँ, पंजाब के किसान हो, पंजाब का जवान हो, पंजाब का ट्रेडर हो, पंजाब का जो शहरों में जो दलित है वो हो, सब लोग पंजाब में या मोदी की तरफ आशा की किरण से देख रहे हैं कि मोदी जी पंजाब के लिए, उन्होंने पहले भी किसानों के लिए इतना कुछ किया, देश के लिए उन्होंने किया किया, पंजाब के लिए उन्होंने इतनी सारी स्कीमें लॉन्च की, और ये हमारा करतारपुर साहब वाला उसके दर्शन ओपन किए, तो ये सारी मतलब जो उन्होंने पंजाब के लिए किए हैं उसके लिए मेरे मन में बड़ी मुश्किल है। आपने कांग्रेस नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा हिमाचल का कोई मेरे मेरे बात नहीं है। हिमाचल का तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें भी मैं वहाँ रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता, हम लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है वहाँ पे, तो मैं उस मेरे को नेगेटिव पॉलिटिक्स में मत ही रहता। कोई एक बड़ी वजह बताइए आपको कांग्रेस छोड़ने की? एक बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस ने जो हम लोग ग्राउंड से आए हैं, NSUI से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसलिए मेरे को लगता है कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता के हम देखे हुए, जैसा मैडम ने बताया कि जो लीडरशिप है वो अनदेखा कर रही है पुराने लोगों को, आप तो 35 साल कांग्रेस। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ थोड़ी वर्कर की अनदेखी हुई। और बीजेपी में कहाँ देखते हैं आप, आपको कोई क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? ये तो अब पार्टी की मर्जी है, देखो ये तो हाईकमांड के अब तो नए आए हैं, अब इनकी मर्जी है कहाँ हमें फिट कर सकते हैं।